कुछ गिटहब वाले पर जो डाउन करना मेरे को बता दे, मैं फिर बैठ जाता हूं लैपटॉप पर। नहीं 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 ऑलमोस्ट डन, बस उनसे शेयर करना है। क्या गेट का देखता है? तो स्टार्ट में रहता हूं। तो पोस्ट में टाइपिंग इन एपीआई के आज हमारे जो स्पीकर है हमारे साथ आदित्य सारा सर है, ये मीटअप कैंपस एक्सपर्ट और एनर्जी इंटरनेट डायरेक्टर है। ओके, तो आज की जो एजेंडा है टीम का वो जावास्क्रिप्ट रिफ्रेशर इंट्रो टू व्हाट इज एनपीएम Hello World App Group. We are Drupalist API and deploy on Heroku. So I would like to welcome Ashish Sharda sir for the delivery this session. Thanks Dheeraj and Vyakitul team for inviting me here. So Dheeraj ne aap sare inka to de diya mere bare mein. Ab apan direct starting karte hain kyunki काफी time se wait कर रहे हैं सभी तरह। तो उससे पहले बस क्वेश्चन है कि कल कुछ प्रीरिक्विज़िट साइट शेयर किए गए थे आप लोगों से, तो जावास्क्रिप्ट कितने लोग पढ़ गए हैं, या अगर नहीं भी पढ़ गए हैं तो कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है आप लोगों की जावास्क्रिप्ट में क्या क्या होता है, पर हैंड रेज़ करो आइडिया हो जाएगा। कंसीडरिंग 80% पॉपुलेशन यहाँ पे करके आई है जावास्क्रिप्ट, जिनको नहीं आता है बेसिकली यहाँ जावास्क्रिप्ट एकदम सिमिलर है सी प्लस प्लस से, उसमें जैसे हमारे फॉर लूप सी प्लस प्लस तो सबने पढ़ी होगी, यहाँ पे कॉलेज में एक सब्जेक्ट भी हुआ करता था जैसे कि मतलब जो जो हमें नोड में यूज करना है ना, जैसे कुछ कुछ चीज होती मैंने लिख रखा है ऑब्जेक्ट होते हैं, हमें ऑब्जेक्ट के साथ डील करना पड़ेगा, डिफरेंट तरीका है फंक्शन को लिखने का जो होता है एरो फंक्शन, ये जावास्क्रिप्ट में आया था सबसे पहले, और कुछ कुछ और टॉपिक्स जैसे कि कॉल बैक फंक्शन है और एसिंक अवेट। एसिंक अवेट भी मतलब ES6 का ही सिंटैक्स है, तो मेरे को नहीं लगता है ES6 काफी सारे लोग पढ़ के आए होंगे, बट ठीक है ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में ना ऑलमोस्ट सारी चीज ऑब्जेक्ट है, तुम फंक्शन की बात करो, तुम स्ट्रिंग की बात करो, तुम एरे की बात करो, इवन एरे भी ऑब्जेक्ट ही ट्रीट होता है जावास्क्रिप्ट में, तो और वो सब कुछ ऑब्जेक्ट है। हम फंक्शन को भी ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, कभी भी तुम कंज्यूमर डॉट लॉग करोगे फंक्शन और उसका टाइप ऑफ चेक करोगे तो वो भी फंक्शन ही दिखाएगा, सॉरी ऑब्जेक्ट ही शो करेगा कि ऑब्जेक्ट है और फंक्शन टाइप। एंड इसमें जैसे हम सी प्लस प्लस में सबको याद होगा न्यू और डिलीट कीवर्ड होता था कुछ नया मेमोरी क्रिएट करने के लिए, तो कभी भी हमें क्लास बनाते थे फिर न्यू फिर उस क्लास का नाम लिखते थे तो हमें एक नया ऑब्जेक्ट मिल जाता था सी प्लस में, तो वो सेम चीज रहती जावास्क्रिप्ट में भी, न्यू कीवर्ड यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। अच्छा ये जावास्क्रिप्ट रिफ्रेशर में मैं कुछ हैंड्स ऑन नहीं बताने वाला बिकॉज़ हमारे पास सफिशिएंट टाइम नहीं है अभी, सो बस मैं बस गो थ्रू करूंगा कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हमें जरूरत है, और जब हैंड्स ऑन में किसी को प्रॉब्लम आएगी तो हमारे वॉलंटियर्स आप लोग हेल्प कर देंगे किसी को जरूरत लगती है। तो हाँ ऑब्जेक्ट्स न्यू कीवर्ड से क्रिएट हो सकता है और ऑब्जेक्ट्स में कुछ भी टाइप की वैल्यू हो सकती है, मतलब स्ट्रिंग हो सकती है, सारे प्रिमिटिव टाइप्स प्रिमिटिव टाइप्स क्या क्या होते थे हमारे पास, स्ट्रिंग होती है, नंबर होते हैं, बूलियंस होते हैं, एंड उसके बाद और क्या क्या होता है, ठीक है इतना काफी है जावास्क्रिप्ट में, इतना सही हमें काम है। बाकी एरेज हो सकती है, हम फंक्शन स्टोर कर सकते हैं, और हम उसमें ना बेसिकली सिंपल टाइप होता है जो कि होते हैं की वैल्यू पेयर, तो की वैल्यू पेयर इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नाम पर्सन है, पर्सन की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती है, मतलब अगर मैं यहाँ पे किसी स्टूडेंट को बताऊँ तो भी कुछ कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि आपका नाम होगा, आपकी एज होगी, आप कौन से सेमेस्टर में पढ़ते हो, या आपकी एज क्या हो सकती है, या आपने अभी तक कितना कुछ सर्टिफिकेशन किया है, या आपके स्किल्स क्या है, ऐसे कुछ कुछ आपकी प्रॉपर्टीज होती है। तो यहाँ पे जो पहला होता है ह्यूमन के पहले वो होता है प्रॉपर्टी का नाम, और उसके बाद जो डबल कोट्स में लिखा है या राइट साइड में जो भी होता है वो होती है प्रॉपर्टी की वैल्यू। जैसे आप फर्स्ट नेम है पर्सन का, तो पर्सन का फर्स्ट नेम है जॉन, तो प्रॉपर्टी हो गई फर्स्ट नेम और वैल्यू हो गई जॉन,
लेकिन उसकी प्रॉपर्टी लास्ट में फिर ये भी उसकी वैल्यूएट हो और यहां पे तीसरी प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू 50 यहां पे डिफरेंस ये है जैसे कि एरे वाले सी प्लस प्लस में पढ़ा था कि एरे से उसकी टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं या तो अगर इंटीजर एरे बनाए तो इंटीजर स्टोर करेगा हमने अगर कैरेक्टर एरे बनाए तो कैरेक्टर स्टोर करेगा स्ट्रिंग एरे स्ट्रिंग स्टोर करेगा जावास्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट की एरे को स्टोर कर सकते हैं सब कुछ स्टोर कर सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ फर्स्ट में एक स्ट्रिंग स्टोर करा है लेकिन यहाँ पे हमने बीच में एक नंबर भी स्टोर करा है तो इसीलिए जावास्क्रिप्ट में डायनेमिक लैंग्वेज है तो हमें बहुत सारी मतलब इंडिपेंडेंस दे देती है ताकि हम बहुत सारी चीजें यूज कर पाए एंड नेक्स्ट चीज आती है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमने अभी ऑब्जेक्ट देखा जो कि पर्सन ऑब्जेक्ट था और जैसे अभी मैंने बताया कि बहुत सारी टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं जैसे कि एक नॉर्मल एरे है जिसको मैंने कांस्टेंट डिक्लेअर किया कांस्टेंट इज इन कांस्टेंट इज ऑफ सी प्लस में पढ़ते थे इस सी प्लस प्लस में कांस्टेंट मतलब वो सिर्फ पाथ का एट में सकती एंड उसको भी डिक्लेअर नहीं कर सकते हम उसे डिक्लेअर करने के लिए इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा वो कांस्टेंट है और एरे में मैंने तुम लोग देख सकते हो कि मैंने भी रख लिया बट ये चीज अगर सी प्लस प्लस में है तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता मुझे एरर मिल जाएगा या स्ट्रिंग के साथ तुम कैसे नंबर देखते हो या तुमने एक नल वगैरह भूले कैसे और नेम की वैल्यू आशीष लिखते हैं एक नंबर नहीं लिया लेकिन मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया जो कि 20 बनेगा डबल कोट्स के अंदर जो भी होगा जावास्क्रिप्ट में दैट इज अ स्ट्रिंग एंड डबल कोट्स के अलावा कोई भी नंबर लेगा दैट इज अ लूप तो ये थोड़ा ध्यान देने की चीज है आपको कुछ तो चेक हमने लिया इसका प्रॉपर्टी का नाम इज स्ट्रिंग यहां पे देखने की बात क्या है अरे स्क्वायर ब्रैकेट्स में डिक्लेअर करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट एंड वन अब यहाँ कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट से लेके एंड तक एक ऑब्जेक्ट है और एरे में जब भी हमें मल्टीपल वैल्यूज डालनी होती है तो हम उसको याद होगा कि हम कॉमा यूज करते हैं लाइक अगर मैं इंटीजर एरे ले रहा हूं इंटीजर एरे के अंदर मैं 1 कॉमा 2 कॉमा 3 ऐसे लिखूंगा तो इट इज सिमिलर कि हम जब एक ऑब्जेक्ट लेते हैं तो ऑब्जेक्ट के बाद में एक कॉमा लगाते हैं टू डिस्टिंग्विश दैट दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट दिस इज द सेकंड ऑब्जेक्ट तो इसको एक्सेस कैसे करना है मैं जब गेट्स ऑन करके बताऊंगा बट दिस इज हाउ इट वर्क्स And now coming to functions, functions के बारे में almost मैं consider कर रहा हूँ कि हमें सबको पता होगा क्योंकि हमने at least एक programming language को सीख रखी है। तो हम C++ में क्या करते थे कि यहाँ पे जो पहला word होता था C++ में वो ये बात आता था कि function return क्या था। मतलब कि या तो function एक integer value return करेगा या तो void return करेगा मतलब कुछ भी। पर JavaScript में हमें बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक और distinct चीज दिखती होगी यहाँ पे जो हमने पैरामीटर्स जो फॉर्मल पैरामीटर्स लेके रखे इसके आगे कोई भी डेटा टाइप में लेके मतलब यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि चार तो इसमें हमें कुछ भी डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं होती है एंड हम जो भी रिटर्न करेंगे वो एज अ ट्रीट होगा जो हमने पास किया फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ए और बी में हमने अगर कोई तो रिटर्न से हमें नंबर मिलेगा अगर यहाँ पर हमने कोई स्ट्रिंग पास की तो हमें यहाँ से स्ट्रिंग मिलेगा तो ये हमें अगर किसी को याद होगा हम फंक्शन की ओवरलोडिंग करते हैं और याद है किसी को ओवरलोडिंग में क्या होता है कि हम एक ही फंक्शन को जो डिक्लेअर कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स के लिए या तो टेम्पलेट पता होगी हम टेम्पलेट का आते हैं सी प्लस प्लस टेम्पलेट क्या होता है हम बस डेटा टाइप डालेंगे और फंक्शन हमारा उस डेटा टाइप के लिए काम करता है तो ये सिमिलर वैसा ही है अगर हमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं है बाय डिफॉल्ट होता है तो अब आते हैं एरो फंक्शंस में एरो फंक्शंस एक्चुअली ES6 का सिंटैक्स है अब ES6 के बारे में और बताऊंगा बट अभी तक किसी को कोई डाउट था जस्ट हैंड रेस कर दो कोई कुछ भी डाउट होता है सेट फंक्शन दिखा दो मैं समझ आ गया ठीक है तो एरो फंक्शन ES6 का सिंटैक्स है ES6 का फुल फॉर्म होता है ECMAScript ECMAScript ना एक स्टैंडर्ड है जैसे कि पता है आप लोगों के C++ के भी वर्जन होते थे तो हैंडलेस थे
जो आजकल हमें कॉलेज में पढ़ाया जाता है सी प्लस प्लस शायद 1999 में पढ़ा था जो लेटेस्ट वर्जन है मतलब जिसमें उसके नए नए फंक्शन का प्रोग्राम का है तो सी प्लस प्लस के लैंग्वेज में पढ़ते हैं और अगर किसी को न्यूज में देखते हैं अपडेट है न्यूज तो वो लिनक्स के जो फाउंडर्स हैं वो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग सी प्लस प्लस 99 से सी प्लस प्लस 11 में उसको मार्केट करें तो बट ठीक है वैसे जावास्क्रिप्ट के भी ना वर्जन होते हैं तो जावास्क्रिप्ट के हर ईयर में कुछ कुछ नए नए वर्जन आते हैं उसमें नए नए फीचर्स आते हैं तो ये टेक्नोस्क्रिप्ट 6 का है ये शायद 2015 में आया था उसमें बहुत सारे मेजर रिलीजेस हुए थे बहुत सारे नए फीचर्स आए थे तो एरो फंक्शंस उसमें से एक बहुत अच्छा फीचर है तो एरो फंक्शंस कुछ ऐसा दिखता है मतलब यहाँ पे क्या होगा फंक्शन का नाम होगा यहाँ पे हमने पैरामीटर्स डिफाइन किए यहाँ पे कुछ एक एरो जैसा बहुत सिंपल है यहाँ पे हम दो बता जो हमें रिटर्न करना है ये कुछ ऐसा दिखता है अब यहाँ पे ना फंक्शन को हम एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं जैसे कि मैंने शुरू में बात की थी जावास्क्रिप्ट में ऑलमोस्ट सब चीज ऑब्जेक्ट तो अगर मैं अगर टाइप ऑफ मल्टीप्लाई देखूंगा ना तो एक ऑब्जेक्ट की बात मतलब मैं फंक्शन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है मतलब यहाँ पे अगर जावास्क्रिप्ट आपको पढ़ लिया तो आपको पता होगा कि जावास्क्रिप्ट में हर एक चीज की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है मतलब मैं स्ट्रिंग की लेंथ चेक कर सकता हूँ मैं स्ट्रिंग का टाइप चेक कर सकता हूँ ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है डॉट नोटेशन को यूज करते हैं तो कुछ एरो फंक्शन ऐसे दिखता है अब हम एक डिफरेंस देखते हैं कि मतलब जो नॉर्मल फंक्शन हमने देखा था शुरू में और एरो फंक्शन हमने जो भी देखा उन दोनों में एक्चुअली डिफरेंस तो यहाँ पे है हमारा डिफॉल्ट फंक्शन यहाँ पे भी मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ एरो नाउंगा और उसको मैं इक्वल टू में सेट कर रहा हूँ फंक्शन तो फंक्शन भी मैंने देखते जो कि हमने कीवर्ड देख रहा था और यहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा हूँ हेलो वर्ल्ड तो एक सिंपल फंक्शन है बस आप इसको कॉल करोगे तो वो हेलो वर्ल्ड शो करेगा अब यहाँ पे आते हैं हम एरो फंक्शन पे यहाँ पे चेंज किया हुआ है लेफ्ट साइड का इक्वल टू सब ऑलमोस्ट सबको सेम है मतलब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कुछ रिटर्न कर पाते हैं बट यहाँ पे जो हमने फंक्शन की वर्ड देखा था वो एक्चुअली एरो फंक्शन की डिफरेंस है और यहाँ पे हमारे जो कर्ली ब्रैकेट को और जो पैरेंथेसिस था उसके बीच में एरो और उसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न हेलो वर्ल्ड लिख रहे हैं बट इसको मैं बायपास भी करता हूँ बायपास कैसे कर सकता हूँ कुछ इस तरह से अब यहाँ पे बायपास करने का मतलब क्या है कि एरो फंक्शन जो ना बाय डिफॉल्ट चीजें जो डालते हैं रिटर्न करते हैं जैसे कि हमने पिछली स्क्रीन में देखा था यहाँ पे मैंने ए स्टार बी लिखा है बट मैंने रिटर्न नहीं लिखा उससे पहले बट अगर मैं मल्टीप्लाई कॉल करता हूँ तो उनको रिटर्न में वैल्यू मेरी छोटी मल्टीप्लाई होती है अगर मैं 3 2 3 2 पास करता हूँ तो सिक्स मिलेगा तो कुछ वैसे ही है बाय डिफॉल्ट एरो फंक्शन में सारी चीजें रिटर्न होती है जो भी हम टाइप करके लिखते हैं बस कैच ही है पैरेंथेसिस काम नहीं पड़ेगा अब अगला टॉपिक है कॉलबैक फंक्शन कॉलबैक फंक्शन मतलब ऐसा है कि जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम चाहते हैं कि उसके बाद कुछ और कॉल हो जैसे कि मैं आपके दो लोगों को खड़े करा दूं और मैं आपसे बोलूं कि मतलब 37 मल्टीप्लाई का 37 क्या होता ठीक है जो पता आप उससे जल्दी नहीं बोला बस ये टाइम लगेगा बट अगर मैं चाहता हूँ कि जब मैं राइट साइड वालों को बोल रखा है आपके पास में जो बैठे मैंने तो बोला है कि इनका जो भी आंसर रहेगा वो आप लोगों को बताओ मैं चाहता हूँ कि पहले वो कैलकुलेशन कंप्लीट करे फिर उसके बाद में आप उसका आंसर दे तो कॉलबैक फंक्शन यही बताता है कि उसे चेनिंग करनी फंक्शन की कि भाई पहले उनका काम है फिर आपका काम है आप दोनों को इतना इमीडिएटली नहीं बोल सकते क्योंकि वो काम करने में थोड़ा सा टाइम लगता है जैसे अगर अभी एग्जाम्पल ले मैंने आपको बोला कि प्रेडिक्शन मल्टीप्लायर फंक्शन देता हूँ मैंने आपको टाइम भी दिया कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपसे पूछा कि मैंने क्या कहा और क्या बोलूँ उसने कुछ बोला ही नहीं था वो अनडिफाइंड हो जाएगी कॉलबैक से हम यही बताते हैं कि आपने जो आंसर दिया है
तब तक आपको रुकना पड़ेगा, तब तक मुझे भी रुकना पड़ेगा, आप हमसे पूछेंगे। तो कॉल का कांसेप्ट यही होता है, मतलब कि जब हम किसी को कॉल करते हैं, जैसे कि कल कार्तिक ने आपको बताया होगा, एक ही कॉल करते हैं टाइम लगता है, जब सर्वर के पास रिक्वेस्ट आती है तो कुछ कुछ प्रोसेसिंग करते हैं, तो उसके बाद हमें एक रिटर्न करते हैं, उसमें कुछ टाइम लगता है, मतलब हर सर्वर में डिफरेंट डिफरेंट टाइम होता है। तो जब तक हमें डेटा मिलेगा भाई, तब तक हम डेटा का काम कैसे करेंगे? तो डेटा का काम करना है हमें जब तक डेटा मिलता है, तो इसीलिए हम कॉल का एक्सपीरियंस करते हैं कि पहला फंक्शन ये है, वो डेटा को कॉल कर रहा है एपीआई से, तो जैसे ही डेटा मिलेगा उसके बाद हम उस पर काम करेंगे। तो ये छोटा सा एग्जांपल है कॉल बैक का। सबसे पहले तो ये हमारा मेन फंक्शन है, प्रोसेस यूजर इनपुट। तो हम कुछ यूजर का इनपुट प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने मेन नाम का ऑब्जेक्ट दिया है, नेम में हम ये पूछ रहे हैं कि सामने वाले को हम कह रहे हैं कि अपना एंटर करोगे, फिर उसके बाद हम कॉल बैक को कॉल कर रहे हैं। मतलब जैसे ही सामने वाले ने नेम एंटर किया हम चाहते हैं कि हम उसको हेलो बोलें, लेकिन जब तक वो नेम एंटर नहीं करेगा तो मैं हेलो कैसे बोलूँ? तो यहाँ पर कॉल बैक की बात आती है, फिर हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इस फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल कर सबसे नीचे हमने यहाँ पे कॉल किया प्रोसेस यूजर इनपुट और हमने पास किया है एक कॉल बैक फंक्शन। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट हमने कॉल बैक लिख रखे और यहाँ पे हमने पास किया एक दूसरा फंक्शन, तो ये कॉल बैक फंक्शन है और ये हमारा मेन फंक्शन है। तो जब भी हम इसको कॉल करेंगे तो सबसे पहले कंट्रोल यहाँ पे आएगा, वो क्या करेगा, वो यूजर से पूछेगा कि अपना नाम एंटर, ठीक है? फिर जब तक यूजर नाम एंटर नहीं करेगा तब तक ग्रीटिंग कॉल नहीं होगी। जैसे यूजर ने नाम एंटर किया कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में आता है, फिर कॉल बैक फंक्शन कॉल होता है, कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे जिसका नाम है ग्रीटिंग, ग्रीटिंग में वो हमने नेम पास किया जो हमने यहाँ पे लिखा था, फिर वो नेम और अभी तक इसमें किसी को कुछ डाउट है? मतलब तो सिली डाउट होगा तो आई डोंट माइंड, मतलब सारे क्वेश्चन अच्छे ही होते हैं, किसी को भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, एंड अगर बाद में भी आ रहा है तो हमारे वॉलंटियर से पूछ लेना, दे विल बी एबल टू हेल्प यू। एंड अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब एसिंक एंड अवेट, क्योंकि इसको हम हैवीली यूज करने वाले हैं हमारे एप्लीकेशन में आगे चल के, बट एसिंक एंड अवेट के पहले हमें प्रॉमिस कर पड़ता है। ये प्रॉमिस कुछ वैसा है जो हम आपस में एक दूसरे के साथ प्रॉमिसेस करते हैं, लाइक प्रॉमिस भाई मैं कल तुझे पक्का मिलने वाला हूं, या प्रॉमिस कल तुझे पक्का पार्टी मिलेगी, पार्टी कभी नहीं मिलती बट प्रॉमिस होता है, तो वो एक रिजेक्टेड प्रॉमिस हो जाएगा। तो बेसिकली होता क्या है, प्रॉमिस को हम एसिंक्रोनस के काम करने के लिए यूज करते हैं। एसिंक्रोनस की मतलब कि एग्जांपल लेके ले सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं क्लास, क्लास में एक टेस्ट हो रहा है, टेस्ट में यहाँ पे इंडिकेटर है और आपको इसका टेस्ट दिया, तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं है ना कि फर्स्ट में जितने लोगों ने टेस्ट दिया है आप लोगों की टेस्ट कंप्लीट होने तक मैं रुकूंगा, उसके बाद ही मैं टीचर की कॉपी कलेक्ट करूँगा, मैं ऐसा नहीं करता। आप लोग की टेस्ट जब तक कम्प्लीट होंगे मैं आपको छोड़ दूंगा और पीछे जितने टेस्ट कम्प्लीट होगा उसको कम्प्लीट कर दूंगा। एसिंक्रोनस के काम मतलब मैं पहले वाले ऑब्जेक्ट को या पहले प्रोग्राम को छोड़ देता हूँ कि आप लोग अपना काम कम्प्लीट कर दो, तब तक मैं उन प्रोग्राम के पास जा रहा हूँ ऑलरेडी कम्प्लीट हो चुका, बट अगर यही मैं सिंक्रोनस नहीं करता तो सिंक्रोनस में क्या होता है कि आपकी उनका पहले टेस्ट खत्म होना जरूरी है, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट फ्लो में जा पाऊंगा, उसके बाद में नेक्स्ट फ्लो में जा पाऊंगा, तो सिंक्रोनस भी काम होता है। और जो हम आज Node.js सीखने वाले हैं, Node.js बेसिकली सारे काम एसिंक्रोनस भी करता है, मतलब हमारा टाइम बचाता है सारी चीज़ें। तो प्रॉमिस के बस चार स्टेट हो सकते हैं कि प्रॉमिस या तो फुलफिल हो गया, मतलब अगर मैंने पार्टी देने का प्रॉमिस किया था मतलब मैंने पार्टी दे दी दूसरे दिन, और रिजेक्टेड प्रॉमिस ये मतलब है कि अगर मैंने पार्टी देने का बोला था और मैंने पार्टी नहीं दी, पेंडिंग का मतलब है कि मैंने पार्टी देने का बोला था बट मैं आगे कुछ किया ही नहीं, ना मैं ये बताया कि मैं पार्टी नहीं दे रहा हूँ, मैं ये भी नहीं बोला कि मैं पार्टी दे रहा हूँ, तो पेंडिंग स्टेट में पड़ा है। सेटल्ड मतलब है कि या तो मैंने बता दिया कि मैं क्या करने वाला हूँ, या तो मैं पार्टी दूंगा या तो मैं पार्टी नहीं दूंगा, बेसिकली प्रॉमिस ऐसे ही होते हैं। और ये एक छोटा सा कोड है जिसमें हमने प्रॉमिस दिखाया हुआ है कि प्रॉमिस मतलब दो पार्ट्स हो सकते हैं, और प्रॉमिस में हम ये तो चीजें यूज करते हैं, डॉट एंड डॉट एस कुछ नई चीज है, यहां पे एक रिजॉल्व नाम का कुछ नया चीज है, और ये रिजेक्ट है।
बेसिकली क्या हमने एक टॉपिक डिफाइन किया और यहां पे हमने न्यू कीवर्ड के बारे में बात की थी जिससे नया ऑब्जेक्ट बना यहां पे हमने एक नया प्रॉमिस ऑब्जेक्ट प्रॉमिस ऑब्जेक्ट में हम एक फंक्शन पास करते हैं ये फंक्शन क्या है ये बताता हूं यस कॉल बैक फंक्शन ठीक है तो हम चाहते हैं कि प्रॉमिस जब कंप्यूटर से हमारे हम एक कॉल बैक फंक्शन को कॉल करें तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि हम x इक्वल टू 1 पे कर लेंगे अब हम चेक कर रहे हैं कि हमारा x इक्वल टू 2 है अगर x इक्वल टू 2 है तो हमारा प्रॉमिस सक्सेसफुल है मतलब फुलफिल हो रहा है अगर x इक्वल टू 2 नहीं होगा तो प्रॉमिस फेल हो जाएगा अब यहां पे हमने प्रॉमिस को कॉल किया तो प्रॉमिस के बाद हमने टेन का मतलब ये है कि अगर सक्सेस होता है रिजॉल्व सक्सेस होता है तो टेन के अंदर आएगा और अगर रिजॉल्व रिजेक्ट होता है तो फेल हो जाता है अब बात करते हैं प्रॉमिस बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि एसिंग का वेट भी एरर फंक्शंस की तरह ही है मतलब बस सिंटैक्स में चेंज हुआ है तो एसिंग अवेट में बस यही होता है कि हम प्रॉमिसेस के ऊपर हमने कुछ नई चीजें बनाई थी और फंक्शंस को बता रहे कि आपको एसिंक्रोनस भी काम करना है एसिंक्रोनस में मतलब मैंने अभी जहां पे टेस्ट का एग्जांपल दिया मतलब मैं चाहता हूं कि मैं सामने वाले लोगों का वेट ना करूं उनके टेस्ट कंप्लीट होने तक मैं बाकी सारे काम कंप्लीट कर दूं जो मुझे करने की जरूरत है ताकि मेरा टाइम बचेगा और ओवरऑल सीपीयू की इंटेंसिटी पावर कम हो जाएगी और यहां पे हम अवेट यूज करते हैं फंक्शन को बताने के लिए कि हमें रिस्पांस के लिए वेट करना है रिस्पांस के लिए वेट करना है मतलब कि जब तक फंक्शन का काम कंप्लीट हो जाएगा तब तक हम वेट करेंगे बेसिकली यही होता है एसिंक अवेट में और ये एक छोटा सा एग्जांपल है एसिंक अवेट का यहां पे हमने एक फंक्शन डिफाइन किया जिसका नाम है डिस्प्ले फंक्शन का उसके की फॉर्म में उसको हमने एसिंक बना दिया मतलब कि हम चाहते हैं कि फंक्शन एसिंक्रोनस पे काम करे अब यहां पे मैंने जैसे प्रॉमिस को बनाया प्रॉमिस में आपका कोई और एपीआई कॉल मान लेते हैं करता है कोई एपीआई कॉल उसके कुछ टाइम लगेगा बट मान लीजिए कि फंक्शन से डेटा आ गया और उसके बाद हम डेटा के लिए वेट कर रहे हैं मतलब जब तक ये प्रॉमिस का काम कंप्लीट नहीं करता तब तक हम वेट कर रहे हैं क्योंकि यहां पे मैंने माय प्रॉमिस बोला है वो माय प्रॉमिस के लिए वेट कर रहा है जैसे ही माय प्रॉमिस को डेटा मिल जाएगा डेटा कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम डेटा को प्रिंट कर देंगे बस यही होता है प्रॉमिस और पेजिंग अवेट में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है अगर आप लोग प्रॉमिस का कोड देखो तो कुछ ज्यादा ही ब्रोकेट है मतलब तो फालतू देख रहे हैं एक तो सारी चीजें क्या क्या आप कर रहे हैं आप डॉट टेन भी आप ने कैच भी आप ने रिजॉल्व भी और सर तो हम सिर्फ फेसिंग का भी यूज करते हैं इसमें तो चार पांच टाइम में मेरा काम तो वो डिफरेंस आया ऐसे एंड अब जल्दी से एरे मेथड्स हम कवर कर लेते हैं जो हम यूज करने वाले हैं किसी भी एरे में हमें अगर कुछ डेटा पुश करना है तो मैं यहां पे पुश मेथड यूज करता हूं क्योंकि ये मैंने फ्लोट से एरे बनाए जिसमें बहुत सारे फ्लोट्स के नाम है एंड दूसरा ये फिल्टर फंक्शन है फिल्टर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है आपके कुछ लोगों के लिए बट बेसिकली इसमें हम करते क्या है कि हम ना एक एरे को फिल्टर आउट करते हैं जैसे कि हमारे यहां पर भी एक नाम आ गया स्पेशल है बट एरे में कैसा होता है हम यहां पे फिल्टर करते हैं तो कुछ कुछ कंडीशंस मैच कर रहे हैं जैसे कि यहां पे एक यहां पे कैसे भी बता सकते हैं कि क्या चीज है जो बस कंडीशन मैच कर रहा है कि तुम एप्पल तो नहीं है कि नॉट इक्वल टू का साइन है वो पता नहीं पीछे से दिख रहा है कि नहीं बट ये नॉट इक्वल टू का साइन है तो क्यों कि नॉट इक्वल टू एप्पल चेक फ्रूट बस यही के चेक कर रहा है एप्पल से इक्वल टू तो और यहां पे जो फ्रूट स्टार्ट फिल्टर मैंने कॉल किया तो फिल्टर ऑप्शन क्या करेगा चेक फ्रूट फंक्शन को हर एक ऑब्जेक्ट पे एक एक बार भी चलाएगा मतलब सबसे पहले वो बनाना पे जाएगा फिर चेक करेगा कि बनाना एप्पल टू इक्वल है कि नहीं साइड और इसको चेक भी एप्पल भी इक्वल है कि नहीं तो और इसको एप्पल इक्वल है तो ठीक है एप्पल हमको नहीं चाहिए था
हमने एप्पल को हटा दिया है। फिर हमने फिर से मैंगो के चेक किया, मैंगो और एप्पल भी इक्वल है। अब हमारे पास तीन चीजें बची टूल्स, बनाना, ऑरेंज और मैंगो। अब फिल्टर क्या करता है, सेम एरे को कुछ छेड़खानी नहीं करेगा, मतलब अच्छी चीज के साथ छेड़खानी की जरूरत है, नई एरे बना देगा, नई एरे बनाएगा जिसमें से तीन चीजें होंगी, बनाना, ऑरेंज और मैंगो, और उसे वो रिटर्न कर देगा। तो फिल्टर हमेशा सेम एरे में कभी कोई छेड़खानी नहीं करता है और हमेशा वो नई एरे बना के रिटर्न करता है। तो ये था फिल्टर के बारे में। और ECMAScript में कुछ मॉड्यूल्स होते हैं, मॉड्यूल्स का मतलब ये है कि हम फंक्शंस क्यों बनाते हैं, तो कोई बता सकता है फंक्शंस का हमें पर्पस क्या है? हमें जब हमें फंक्शंस बनाते हैं तो हमें फंक्शन और मॉड्यूल आईडी यूज करते हैं। हम बोलते हैं कि हमें मॉड्यूलर कोड लिखना चाहिए। मॉड्यूलर कोड का मतलब क्या होता है कि इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसको हम बार-बार यूज करते हैं, काफी सिंपल। एंड ES मॉड्यूल्स में भी हमने यही चीज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है। यहां पे हम क्या करते हैं कि हमारे पास बहुत बड़े-बड़े एप्लीकेशंस होते हैं, मतलब अगर अमेज़न का फॉर्म की बात करें, अमेज़न में कितने सारे फीचर्स, अमेज़न पे है, उसका ऑर्डरिंग सिस्टम है, उसका फीड है, उसका रिकमेंडेशन है। अमेज़न में भी उन्होंने क्या किया है, बहुत सारे छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना के रखते हैं, उसको हर जगह पे यूज करते हैं। तो ECMAScript मॉड्यूल्स का भी यही मतलब होता है। एंड अब आते हैं Node.js में। अभी तक किसी को कोई डाउट था? ये सारा हमने अभी तक जावास्क्रिप्ट के डिस्कस किया। किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज हैंड रेज कर दो, और अगर आप भी तो किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज बीच में इंटरप्ट करके पूछ लेना, एंड वॉलंटियर्स किया मैं भी आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो अच्छा, हम C++ को रन करने के लिए क्या यूज करते हैं? तो C++ का जो कोड रहता है उसको एग्जीक्यूट कौन करता है? कंपाइलर करता है। मतलब हमें एक दूसरा प्रोग्राम चाहिए किसी कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए, राइट? तो Node.js में क्या होता है, या जो जावास्क्रिप्ट की अगर बात करें तो जावास्क्रिप्ट में एक क्रिएट इंजन होता है जो कि क्रोम ने बनाया, मतलब गूगल ने बनाया था क्रोम ब्राउजर के लिए। तो जावास्क्रिप्ट उसमें ना रन होती है, वो मशीन कोड में कन्वर्ट होती है, फिर हमारे ब्राउजर्स पे चलती है। मतलब अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा पाऊँ, मैं बस राइट क्लिक किया, मैंने इंस्पेक्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं कंसोल पे आ गया। कितने के अंदर हुजूर, यहाँ पे कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट कर सकता है, जैसे कि मैं वेयर इक्वल टू छोटा दिख रहा है, वैसे उसका पर्पस नहीं, मैं बस बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे कोड एग्जीक्यूट हो सकता है। बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या किया, नेम को इनिशियलाइज किया है, यहाँ पे क्या लिखा होगा, वेयर नेम इक्वल टू तो बस यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, किसी जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। बट Node.js ने उन्होंने मेन चीज क्या की कि हम ना जावास्क्रिप्ट का कोड से ब्राउजर नहीं चला सकते, C++ में क्या है, इसमें सर्वर में जाए ताकि जावास्क्रिप्ट ब्राउजर के बाहर कहीं भी रन हो सके। यहाँ पे नोड सर ने इंस्टॉल कर लिया है, कर लिया है। वो नोड का वर्जन चेक करना आता है आपको, तो बस नोड का वर्जन चेक करने की जैसे ही आपको बस नोड टाइप करना है, फिर एंटर करोगे तो नोड का टर्मिनल खुल जाएगा। फिर वो टर्मिनल पे आप कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो आपके सेम टर्मिनल पे। अभी ट्राई करना है तो आप कर भी सकते हो, बट बाद में भी हम ट्राई करेंगे। तो Node.js का जो क्रिएट इंजन है ना, वो C++ में ही बना है, और ऐसा लोग कहते हैं कि जो क्रोम का क्रिएट इंजन है सबसे फास्टेस्ट है वर्ल्ड में। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट Node.js बहुत ज्यादा फास्ट काम करती है, और इसमें नोड एप्लीकेशंस आजकल काफी सारे स्टार्टअप्स अडॉप्ट कर रहे हैं। मतलब हम सुनते हैं कि वन स्टैक पढ़ लो तो तुम्हारी फिर जिंदगी है, एक तो इंडस्ट्री को उठाएगा, बस वही बात है कि नोड इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा है नोड। इसके जो भी एप्लीकेशंस बनते हैं वो बहुत ज्यादा फास्ट बनते हैं, एसिंक्रोनस होते हैं और नॉन ब्लॉकिंग होते हैं, मतलब आईओ ऑपरेशन जब हम इनपुट आउटपुट दे रहे हैं सब ब्लॉक नहीं होता इसका। तो ये कुछ कुछ फायदे हैं Node.js के।
और हाँ एक चीज का मिस कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग पड़ी क्या बोल रहे हैं, मल्टी थ्रेडिंग पड़ी है, ये थोड़ा सा ड्रॉबैक भी है और फीचर भी है लोड का, लोड के सारे एप्लीकेशन सिंगल थ्रेडेड होता है, यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग नहीं कर सकता। यहाँ पे बस हमें अगर मल्टी थ्रेडिंग करनी है तो हमें बहुत सारे पैरेलल सर्वर्स बनाने पड़ेंगे जो एक टाइम पे मल्टीपल रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहे हैं। बट आज के लिए हम एक छोटा सा एप्लीकेशन ही बनाएंगे, तो उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि एक फ्रेमवर्क है एक्सप्रेस नाम का जो कि हम आज यूज करेंगे। इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, बस ये नोड.js का फ्रेमवर्क है जिसको हम वेब सर्वर्स क्रिएट करने के लिए बनाते हैं। अब कोई फ्रंट एंड फ्रेमवर्क याद है किसी को, कोई भी फ्रंट एंड फ्रेमवर्क? देखो बैक एंड के लिए बट आप भी एक सब नहीं होता है क्या फ्रेमवर्क एक अच्छी लग रही है और सब अपने VS को लोड करते हैं। किसी को कोई भी डाउट हो तो हैंड रेज कर देना प्लीज। इसको सब लोग ओपन कर लिया, बस हम सब दे दो तुम्हें पता चल जाएगा सब ओपन कर लिया। तो सीधा अपन VS कोड में चलते हैं। फिर कोड करने के पहले कोड समझा दूं या डायरेक्टली कोड करते करते समझेंगे? कोड करते करते ठीक है। एक फोल्डर बना लो जिसका नाम कुछ भी रख सकता हूं, अभी के लिए हेलो रख दो, और उस हेलो के अंदर अपना VS कोड ओपन कर दो। ये मेरी VS कोड की स्क्रीन थी, आखिरी तक दिख रही है ना सबको? ठीक, अब यहाँ पे सब एक अपना टर्मिनल ओपन कर लो। टर्मिनल ओपन करने के बाद अपन एक बार नोड का वर्जन चेक कर लेते हैं, नोड इंस्टॉल्ड है कि नहीं। मेरे केस में मेरे पास नोड वर्जन 16 इंस्टॉल्ड है। आप लोग सबके पास नोड इंस्टॉल्ड है? ठीक है, अब हम npm भी चेक कर लेते हैं। npm एक नोड पैकेज मैनेजर है। नोड पैकेज मैनेजर मतलब कि जहाँ पे एक रजिस्ट्री है जहाँ पे हम बहुत सारे मॉड्यूल्स बना के रखते हैं। हमने आपसे पूछा था कि मॉड्यूल्स का मतलब क्या होता है, तो नोड पैकेज मैनेजर जैसे बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जो कि ओपन सोर्स लाइब्रेरी से बना के रखते हैं, इसको हम अपनी चीजों में यूज कर सकते हैं। हम जो आज एक्सप्रेस यूज करने वाले वो भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट ही था किसी का, और अभी एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क बन चुका है। तो हम npm का भी वर्जन चेक कर लेते हैं। ओके, तो npm में इंस्टॉल्ड है मेरे पास। अब हम स्टार्ट करते हैं, तो आप सबको लिखना है npm init -y। स्क्रीन दिख रही है क्या कि बहुत छोटा दिख रहा है?
अब काफी है ना, कितने विजिलेंस, ठीक है। तो हमको लिखना है npm स्पेस init फिर स्पेस -y, उसके बाद एंटर प्रेस कर। तो यहाँ पे कुछ कुछ कैरेक्टर का आपको रिजल्ट मिला होगा कि एक लंबा छोड़ा जेसन रिस्पॉन्स है, और मैं जेसन रिस्पॉन्स समझाऊंगा, मैं जेसन रिस्पॉन्स समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है, पर अभी बात भी कर लेते हैं एक्चुअली बहुत है। तो आपने जो फोल्डर ओपन किया होगा, आपके फोल्डर में एक पैकेज डॉट जेसन फाइल दिख रही होगी लेफ्ट साइड, उसको एक बार ओपन कर लेना। पैकेज डॉट जेसन फाइल सबको मिल रही है, आपको टर्मिनल ओपन करना पूछ लो कि वीएस कोड ठीक है। तो भाई वो पैकेज डॉट जेसन ऑलमोस्ट सारे लोगों ने देख लिया, अभी यहाँ पे कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे कि हमने कल देखा होगा कि स्कीमा के तो स्कीमा भी जैसा ही होता है जेसन में, जेसन में लेफ्ट साइड में कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है, राइट साइड में कुछ कुछ वैल्यूज है हमारे पास। यहाँ पे नेम प्रॉपर्टी का नाम हैलो है, क्योंकि मैंने फोल्डर का नाम हैलो रखा था, आपके केस में आपके फोल्डर का नाम लिखा होगा नेम की जगह, और यहाँ पे वर्जन है जो कि 1.0 डिफॉल्ट हो गया। और यहाँ पे नेम जो प्रॉपर्टी है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये जो नेम प्रॉपर्टी दिख रही है ना आपको, यहाँ पे नेम की वैल्यू index.js लिखी है, मतलब कि हमारा जो प्रोग्राम index.js से स्टार्ट होगा। यहाँ पे जिन्होंने C++ पढ़ी है तो वो बता सकते हैं कि C++ का प्रोग्राम कौन से फंक्शन से स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। तो जैसे यहाँ पे भी है, नोड जैसे जो प्रोग्राम होता है वो हम package.json में डिफाइन करते हैं कि कौन से फाइल में सबसे पहले एंटर करेगा। तो यहाँ पे हमारे केस में वो index.json, अब लेफ्ट साइड में VS कोड में यहाँ पे फाइल क्रिएट करने का ऑप्शन दिख रहा है, फाइल क्रिएट करने का ऑप्शन दिख रहा है सबको, तो उसमें क्लिक करके index.js फाइल बनानी है आपको। तो क्लियर है, सभी का index.js फाइल बना लो अपने फोल्डर के अंदर, और फाइल क्रिएट करने का ऑप्शन यहाँ पे रहता है लेफ्ट साइड में, जो हमारा प्रोजेक्ट दिखा रहा है वहां पे सबसे पहला आइकन है फाइल प्लस लिखा, ये तो फाइल प्लस वाला जो आइकन है उस पे क्लिक करना है। तो यहां पे आपको फाइल का नाम पूछेगा, फाइल का नाम पूछेगा, वहां पे आपको index.js नाम की फाइल बनानी है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो ये मैं index.js फाइल ओपन कर लेता हूं, और सब ने index.js फाइल बना ली, बस तो हम सब दिखा दो ठीक। अब वापस सब टर्मिनल पे आ जाएंगे, सब टर्मिनल पे आ जाओ वापस से। अब यहाँ पे हम एक मॉड्यूल इंस्टॉल करने वाले हैं, मॉड्यूल इंस्टॉल करने के लिए हम लिखते हैं npm इंस्टॉल फिर मॉड्यूल का नेम। आपको याद होगा हमने एक मॉड्यूल के बारे में बात की थी जिसका नाम था एक्सप्रेस, एक्सप्रेस को हम क्यों यूज करते, किसी को याद है क्या? सर्वर क्रिएट करने के लिए एक्सप्रेस फ्रेमवर्क को यूज करते हैं, तो अब बस मुझे उसको इंस्टॉल करने की जरूरत है जो कि हम npm की मदद से इंस्टॉल करते हैं। तो npm install express आपको लिखना है और फिर एंटर प्रेस करना है। तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो वो फिर npm install करना स्टार्ट कर देगा, और हमें कुछ कुछ नए नए चेंजेस भी दिखेंगे लेफ्ट साइड। सबसे पहले तो ये नोड मॉड्यूल्स का हमारा फोल्डर आ गया जिसमें बहुत सारे फोल्डर है, इसको हमें अभी देखने की जरूरत नहीं है। बेसिकली हमने जो इंस्टॉल किया वो सारी फाइल्स नोड मॉड्यूल्स के अंदर, और हमने पैकेज log.json फाइल बन गई है जिसमें हम बस ये बताते हैं कि हमने वो करेंटली हमारे पास जो डिपेंडेंसी है जो फोल्डर है वो किस किस चीज पे डिपेंडेंट है, इसको भी हमें
मैंने ले ली सर बट ठीक है सर ने एक्सप्रेस इंस्टॉल कर लिया क्या एक बार थम्स अप दे दो सबने का एक्सप्रेस इंस्टॉल कर लिया और आपके package.json को ओपन कर लो package.json में आपको बस वेरीफाई करना है कि आपने सही से इंस्टॉल किया है अब वो कैसे वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ पे एक डिपेंडेंसीज नाम की प्रॉपर्टी ये दिख रही डिपेंडेंसी सबको अगर आपने सही से इंस्टॉल किया है तो आपके package.json में एक्सप्रेस शो हो रहा होगा और उसका वर्जन शो हो रहा होगा इसका ये कंफर्मेशन है कि आपने सही से इंस्टॉल कर लिया एक्सप्रेस बस अब आपको index.js पे आना है index.js पे सबसे पहले हम फंक्शन को इंपोर्ट करेंगे तो उसके लिए हम लिखते हैं const express equal to require इसके अंदर express ठीक है सब यहाँ तक कर चुके हैं क्या सबने कर लिया ठीक है अब हमें सर्वर स्टार्ट करना है सर्वर स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमें देखना पड़ेगा कि कितने रिक्वेस्ट आ गई तो उसे उसके लिए हमें एक लिसन नाम का फंक्शन होता है उसे एक्सप्रेस पे इनिशियलाइज करना पड़ता है तो उसको लिखने का तरीका है एट डॉट लिसन फिर वो एक फंक्शन है उसके अंदर कुछ कुछ आर्ग्यूमेंट्स होती है तो उसमें हम कुछ ऐसा करते हैं सबसे पहले हम पोर्ट पास करते हैं पोर्ट मतलब कौन से पोर्ट पे पोर्ट नंबर पे ही चलेगा आप लोगों ने अगर फ्रंट एंड का कुछ काम किया तो आपको पता होगा मैं क्लाइंट सर्वर या फिर लोकल होस्ट यूज करता हूं लोकल होस्ट के बाद कोलोन के बाद एक नंबर देखा होगा दैट नंबर इज द पोर्ट नंबर तो वो हम यहां पे डिफाइन करते हैं कि हमें पोर्ट 3000 पे हमारा सर्वर रन करना है और हमने सबसे पहले यहां पे पोर्ट पास किया फिर उसके बाद ये जो नेक्स्ट वाला आर्गुमेंट है ये एक कॉलबैक फंक्शन है और ये एक एरर फंक्शन है ये कॉलबैक फंक्शन है और इसको हमने एरर फंक्शन सिंटैक्स पे लिखा है तो बेसिकली क्या कर रहा है इसमें कुछ आर्गुमेंट नहीं है वो बस ये देख रहा है कि जैसे सर्वर स्टार्ट हो जाएगा वो कंसोल में हमें बताएगा कि हमारा एग्जांपल है या तो सर्वर स्टार्ट हो गया इसका टेक्स्ट चेंज कर देता हूं सबने इतना लिख लिया जल्दी जल्दी बस एक थम्स अप दे देना जितने जल्दी उन्होंने लिख लिया तब तक किसी को कुछ डाउट है तो तब तक पूछ सकते हैं
सबने कोड लिख लिया क्या अभी तक जितने स्क्रीन पे? तो मुझे पता चला कि कुछ लोगों को लिसन वाले फंक्शन पे प्रॉब्लम आ रही थी। तो लिसन का मतलब यही है कि जो हमने ऐप बनाया एक्सप्रेस की मदद से, तो चाहते हैं कि ऐप को हमने स्टार्ट में बचा, मतलब कि आपसे आगे जितनी भी रिक्वेस्ट आएगी ऐप को, हम चाहते हैं कि वो ऐप उसे देख कर है और जैसे रिक्वेस्ट आएगी उसे हैंडल भी करे। तो इसलिए हमने ऐप का डिजाइन में सबसे पहले कोड बताया, हम कोड 3000 में काम करना चाहते हैं। हम मैंने कोड का एक ऑब्जेक्ट बना दिया जिसकी वैल्यू 3000 है। और हमने कोड बनाने के लिए कॉल बैक फंक्शन यूज किया, ये बताने के लिए जैसे ही सर्वर स्टार्ट होता है तो आप कंसोल में मुझे बता सकते हैं सर्वर स्टार्ट है, तो बस वही मैसेज हम एंटर है सर्वर रेस्टिंग ऑन कोड, यहां पे कोड की वैल्यू आ जाएगी। अब क्लियर है सबको? ठीक है, अब वापस आप टर्मिनल पे आ जाओ। टर्मिनल पे लिखना है नोड index.js, टर्मिनल पे नोड index.js लिखने के बाद आपको वही मैसेज शो हो रहा होगा जो हमने अभी कॉल बैक फंक्शन में लिखा था, इट इज सर्वर लिस्टिंग ऑन कोड 3000। सबको दिख रहा है वाला मैसेज?
अच्छा यहाँ पे कुछ कुछ इश्यूज हो रहे हैं। सबसे पहले कि हमने जहाँ पे एनपीएम क्रिएट किया है वो आपके फ्रेश फोल्डर होना चाहिए। फ्रेश फोल्डर मतलब जैसे कि मैंने कहीं पे भी डेस्कटॉप या सी ड्राइव या डी ड्राइव कहीं पे जाके फोल्डर बनाया है उसके अंदर जाके मुझे एनपीएम क्रिएट करना है। यहाँ पे काफी सारे लोगों के साथ इशू क्या हो रहा है कि हमने बस डेस्कटॉप पे जाके एनपीएम क्रिएट कर दिया और वहाँ पे हमारे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स हैं इससे वहाँ पे कुछ क्रिएट हो रहे हैं सभी फिक्स आ रहे हैं। तो आपको बस ये करना है कि फ्रेश फोल्डर ब्लॉक जिसके साथ भी इशू हो रहा है एक नया फ्रेश फोल्डर बनाओ वहाँ पे जाके एनपीएम क्रिएट फाइल देखना है। उससे क्या होगा कि हम नया नोड प्रोजेक्ट इनिशियलाइज कर रहे हैं और उसके बाद फिर index.js की इस तरह कोड लिखेंगे। एंड यहाँ पे एक और चीज है कि ये वाला जो console.log लिखना है यहाँ पे जो ये कैरेक्टर है एस के पहले वो सिंगल कोट नहीं है वो एक बैकटिक है। बैकटिक कहाँ पे होता है कीबोर्ड में वन की जस्ट पहले होता है वन की जस्ट पहले तुमको दिख रहा होगा एक बैकटिक वाला सिंबल है तो ये एस के पहले दो वाला सिंबल है बैकटिक यहाँ पे भी है ये वाला भी है। जावास्क्रिप्ट जितने लोग पढ़ते हैं उनको पता होगा कि इसे टेम्पलेट ड्रिवन कहते हैं पता है सबको इसमें डायरेक्ट इशू हो रहा है ना डायरेक्ट इशू तो मॉड्यूल फॉर्म अच्छा बेसिकली ये बताओ किस किस ने डायरेक्टरी क्रिएट की है डायरेक्टरी के फॉर्म में क्रिएट की है डायरेक्टरी पता है क्या होता है पहले बता दो आया ना किसको नहीं पता बस ये बता दो डायरेक्टरी क्या होता है और एनीवन एल्स टेबल सबको बताना डायरेक्टरी मोस्टली बता दो डायरेक्टरी कुछ नहीं होता जस्ट काइंड ऑफ अ फोल्डर उसका तो स्ट्रक्चर ही रहता है तो मोस्टली लोग मैं बता देता मैं एक नया टर्मिनल खोल रहा हूँ। सो इसके हिसाब से अगर देखा जाए मैं ये करता हूँ ठीक है। सो इसके हिसाब से अभी जो ये पूरा फोल्डर है वो डेस्कटॉप है फुल। अब मेरे को एक नया फाइल या नया फोल्डर बनाना है क्या करूंगा मैं mkdir या एक कमांड होता है mkdir मतलब मेक डायरेक्टरी या मेक फोल्डर ठीक है जो भी नाम देना तुम्हारे ऊपर मान लो हेलो वर्ल्ड वाला है ना हेलो वर्ल्ड जेएस ये मैंने डाल दिया फिलहाल के लिए एंटर कर दिया। अब पता कैसे चलेगा कि है कि नहीं तो एलएस यूज कर सकते हो मोस्टली एलएस में दिखा देता कि डायरेक्टरी कितनी है। देखो मैंने एलएस किया तो डेस्कटॉप पे कितने फोल्डर्स हैं वो देख रहे हैं ये होगा डेस्कटॉप.ini हेलो हेलो की हेलो प्रोजेक्ट होगा हेलो वर्ल्ड जेएस होगा तो ये देख गया मेरे को इसको एक्सेस करना है मेरे को जाना है मैं अभी डेस्कटॉप पे हूं ना मेरे को जाना है इस वाले प्रोजेक्ट क्या करूंगा मैं सीडी हेलो सीडी बेसिकली होगा चेंज डायरेक्टरी या चेंज फोल्डर ठीक है हेलो वर्ल्ड ये आ गया और एंटर कुछ नहीं किया है। तुम लोग क्या कर रहे हो तुम लोग तो डेस्कटॉप पे काम कर रहे हो तुमने क्या किया npm जो भी इंस्टॉल किया है ना वो सिर्फ तुमने डेस्कटॉप पे किया है यहां और कहां
काम तुम डायरेक्टरी में कर रहे हो, यहाँ ये सीन हो रहा है कि हाँ ये समझ लो यहाँ स्विमिंग पूल है और स्विमिंग पूल यहाँ कर रहे हो हर कुछ नहीं, ठीक है वो कर रहा हूँ ठीक है। सो तो पॉइंट यहाँ बोलना चाह रहा हूँ, स्विमिंग करने के लिए तुम स्विमिंग पूल में कूदना पड़ेगा ना, तुम लोग क्या कर रहे हो एक तुमने फोल्डर बनाया जहाँ पे तुम्हें मेन काम करना है और तुमने इन्वॉल्वमेंट कुछ और कहीं और जगह बनाया है ठीक है। सो इन्वॉल्वमेंट जैसे मान लो यहाँ बनाकर चेक कर रहे लाइक npm माइनस वी ठीक है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली अगर नोड भी चेक करना तो आई गेस इसी से होता है, ऐसे ही होता है गेस। हां तो अगर नोड भी चेक करना है कि नोड का कौन सा वर्जन है तो वो डायरेक्टली ऐसे चेक कर सकते हो, बस ये दे ये बता दो किसने नोड और npm इंस्टॉल किया अपने सिस्टम में, ये बस बता दो एक बार हाथ खड़े कर दो। मोस्ट लोग का इंस्टॉल है डायरेक्टली शो आ रहा था कि पहले बताओ पहले जो आ रहा था जिसको किसको नहीं आ रहा था किसका नहीं हो पा रहा बस ऊपर हाथ खड़ा कर दो ओके तो और कोई चलो मैं आपको अब अगर यहाँ पे हम लिखेंगे नोड इंडेक्स डॉट टीएक्स ये यहाँ पे नोड इंडेक्स डॉट टीएक्स लिखने के बाद ये हो रहा है कि हमारा सर्वर रनिंग है। अब जितने लोग को ये मैसेज दिख रहा है स्क्रीन पे प्लीज पैनिक मत करो कि हम पे कुछ काम कर पा रहे हैं या हम कुछ टाइप नहीं कर पा रहे, यही सही चीज है। इसका ये मतलब है कि हमारा सर्वर रन कर रहा है और काफी स्लो से रन कर रहा है। अब आपको ब्राउजर खोलना है, अपना कोई भी ब्राउजर खोल लो, क्रोम ब्राउजर या फायरफॉक्स या जो भी सफारी आपके लैपटॉप पे, और वहां पे टाइप करो लोकल होस्ट 3000 टर्मिनल में इनिशियलाइज करवा रहा है npm init -y माइनस का क्या है, मतलब सारे चीजें यस कर देता हूं उसको इशू आ रहा है उसमें एक बार को वाले बंदे में जाकर देख ठीक है कुछ नहीं करा है बस अभी ब्राउजर पे खुलवा ले उसका एरर आ रहा है क्या बोलते हैं जिसका मेन जेसन क्लियर है मेजर नॉन जेसन डॉट जेसन पैकेज डॉट जेसन उसमें एरर दिखा रहा है तो जाकर देख Thank you.
सबका सर्वर अभी रनिंग है क्या? एक बार थम्स अप दिखा दो। सबका सर्वर रनिंग है। अब अपने ब्राउज़र ओपन करना सर। ब्राउज़र में आपको टाइप करना है लोकल होस्ट। मैं अभी टर्मिनल पे टाइप करके बता रहा हूँ कि क्या टाइप करना है आपको। इसको ब्राउज़र पे ब्राउज़र पे ये लोकल होस्ट 3000 टाइप करना है। और जो सबसे पहले कर रहा है प्लीज बता रहा हूँ आपको मैसेज क्या मिल रहा है। तो हम भी बताएंगे cannot get क्यों आ रहा है यहाँ पे, but अभी सब सब एक बार ओपन करके बता दो कि आ क्यों रहा है। अच्छा कल जो हमारी एपीआई की वर्कशॉप थी उसमें यहाँ पे जितने सवाल आए थे तो कोई बता सकते हैं एचटीटीपी में मेथड्स क्या क्या होते हैं? बस दो तीन नाम भी बता। ये चार काफी सिंपल है और काफी ज्यादा कॉमनली यूज किए जाते हैं। गेट पोस्ट पुट डिलीट पैच ये कुछ अच्छे एसपी मेथड से तो बहुत ज्यादा यूज होते हैं इस पे। तो आप लोग देख सकते हो कि सर्वर तो बना लिया लेकिन यहाँ पे गेट मेथड के लिए कुछ भी कोड ही नहीं लिखा, इसीलिए हमें वहां पे एरर आ रहा है कि हमने गेट के लिए कुछ भी कोड नहीं लिखा है, रिक्वेस्ट पे हैंडल कैसे करना है। तो अब हम यहाँ पे कोड लिखेंगे गेट के लिए कि हमें सर्वर को बताना है कि जब भी गेट आएगा तो आपको क्या करना है उस केस में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऐप लिखना, ऐप के बाद डॉट लिखना और आपका जो वीएस कोड है उसका इंटेलिजेंस आपको बहुत सारी चीजें दिखाएगा कि ऐप के बाद में और क्या क्या फंक्शन लिख सकते हो, क्या क्या ऑपरेशन पास, क्या क्या प्रॉपर्टीज। यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन दिखेगा गेट, बस लिखना है ऐप डॉट गेट। ठीक है, आपको ब्राउजर में जो एरर आ रहा था वहां पे क्या लिखा था, कैनॉट गेट, उसके बाद स्लैश था, सिंगल स्लैश। सिंगल स्लैश का मतलब अगर आपने कभी लिनक्स के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा सिंगल स्लैश को रूट बोलते हैं। रूट मतलब कि वो सबसे इनिशियल डायरेक्टरी होती है जहां पे हमारे सारी फाइल्स होस्टेड हैं। तो बता रहे हैं कि हम रूट को ही फाइंड नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, हमने यहाँ पे जो भी कोड लिखा है यहाँ पे सबसे पहले हम राउट बताते हैं सिंगल कोड्स में। तो इतना कोड एक बार लिख लो फिर अपन फिर से टेस्ट करते हैं और आते हैं कि एक्चुअली काम कैसे कर रहा है। एक और चीज बोल रही थी कि जब भी आप लोग सर्वर स्टार्ट करते हो तो अपने पुराने टर्मिनल क्लोज कर लेना, क्योंकि कुछ लोगों को एरर आया तो वांडर डॉट कॉम पर तो अपने जितने भी पुराने टर्मिनल है उसको क्लोज करना, उसके बाद फिर से नए टर्मिनल पे वो नोड इंडेक्स.js को रखना। वो एरर आपको इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका जो सर्वर
सर्वर ऑलरेडी कहीं पे रन कर रहा है किसी सेम कोड पे, तो वो फिर से उसी सेम कोड पे रन नहीं कर सकता, इसीलिए वो आप करा रहा था। तो हमें सारे टर्मिनल्स क्लोज कर दो, इसके बाद फिर से रन करने की कोशिश करें। उससे सिंपल एक चीज बताता हूँ मैं, पोर्ट या पोर्ट का वैल्यू चेंज कर दो, 3000 दिख रहा है ना, 3002 कर दो तो वो चल जाएगा। सबने गेट वाला इंप्लीमेंट कर लिया, ये वाली जो लाइन थी लाइन 5 एक बार हम सब देखो अगर सबने इंप्लीमेंट कर लिया तो ठीक है। अब आपको वापस से अपना सर्वर क्लोज करना है, तो वापस टर्मिनल पे आ जाओ, यहां पे आपको मैसेज दिख रहा होगा सर्वर लिस्टिंग ऑन बोर्ड समथिंग समथिंग, वहां पे कंट्रोल सी प्रेस करना है। कंट्रोल सी से क्या होता है, ये सर्वर को स्टॉप करता है, कंट्रोल सी प्रेस करके सर्वर को स्टॉप करेंगे और फिर से नोड इंडेक्स डॉट जेएस को रन करता है, आपको फिर से मैसेज आएगा सर्वर लिस्टिंग ऑन बोर्ड समथिंग समथिंग। एक बार फिर से सर्वर स्टार्ट हो जाए तो एक बार हम सब दिखाते हैं। ओके, सबका सर्वर फिर से रनिंग है ये चेंज करने के बाद, ठीक है। अब वापस ब्राउजर पे आते हैं, वापस ब्राउजर पे लोकल होस्ट 3000 पे जाना और पेज को रिफ्रेश करना। अब बताओ कि मैसेज क्या आ रहा है, अब आ रहा है हेलो वर्ल्ड आ रहा है। मतलब हमने क्या किया, हमने सिंपल एपीआई बनाई है, वो एपीआई क्या कर रही है, आपको सिर्फ हेलो वर्ल्ड रिटर्न कर रही है। ये आपके सबसे सिंपलेस्ट एपीआई हो सकती है जो भी आप देख रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हम स्लैश लेके हैं, स्लैश पे जाने पे आपको एक रिस्पॉन्स आ रहा है जो कि है हेलो वर्ल्ड। तो सबकी एपीआई ये वाली बन गई है, एक बार थम्स अप दिखा दो। अब हम थोड़ी सी आपको मतलब चेंजेस करके देखते हैं, तो सिर्फ स्लैश है, अब हम चाहते हैं कि हम हेलो वाले राउंड पे कुछ देखना चाहते हैं, तो जो एप डॉट गेट के पास स्लैश है ना, इस यहाँ पे लिख लो हेलो और सेव कर दो। ठीक है, स्लैश को हम चेंज करके स्लैश हेलो कर दो, फिर से फाइल सेव करना और सर्वर को फिर से स्टॉप कर लो कंट्रोल सी से, देन अगेन रन द सर्वर बाय नोड इंडेक्स डॉट जेएस। आपका सर्वर फिर से भी रनिंग होगा। अब आपको क्या करना है कि ब्राउजर पे जाना है और हमने अभी क्या किया था, लोकल होस्ट 3000 लिखा था, राइट। अब लोकल होस्ट 3000 के बाद आपको लिखना है स्लैश हेलो, अपन कुछ चेंजेस भी कर लेते ताकि हमें समझ आए कि हमने कुछ चेंज किया है। तो हमने भी ये चेंज किया, हमने अपना राउंड चेंज किया, जो स्लैश था पहले हमने स्लैश को हेलो कर दिया, और जस्ट मुझे पता चल जाए कि मैंने कुछ चेंज किया मैसेज में, मैंने रेस्ट डॉट साइन में हेलो वर्ल्ड और हेलो राउंड लिखा ताकि मुझे चेंजेस दिख जाए। अब मैं फिर से एक बार सर्वर को क्लोज कर रहा हूँ, फिर से मैं सर्वर को रन करके देखता हूँ और अब फिर से ब्राउजर पे जाना, ब्राउजर पे जाके लोकल होस्ट स्लैश 3000 पे जाना। आपको ये टेक्स्ट दिख रहा है यहाँ पे टर्मिनल पे, आपको यहाँ पे जाना है ब्राउज़र पे, लोकल होस्ट उधर 3000 उसके बाद स्लैश हेलो। यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है, जो
अब जो कि लोकल 3000 देख रहे हो उसके बाद आपको स्लैश हेलो पे लिखना पड़ेगा जो कि हमने आपको टेक किया इसीलिए करके आपको उसका फिर मैसेज देना है। तो हमने एक सिंपल राउट बनाया है यहां पे जैसे कि आप लोग अगर कभी गूगल पे जाते हो तो क्या लिखा है google.com/search लिखा है तो आप लोगों ने ये चीज देखने के लिए लिखे कि सर्च पे हमें गूगल सर्च वाला पेज शो करे हमने वही एक सिंपल सी चीज यहां पे इंप्लीमेंट करके देखी है। अब एक बहुत छोटा सा एक पेज ऐसा बनाएंगे जहां पे वो डेटा रिटर्न कर देंगे। तो मैं अभी कुछ बोलूंगा नहीं बस मैं कोड करते जाऊंगा फिर आपको उसका उसका इंप्लीमेंटेशन देखेंगे तो आप लोग सब मेरे साथ साथ कोड करना साथ में अभी जस्ट आशीष जो करने वाला है जस्ट करो वो समझाएगा समझने का डायलॉग है ना कि बस फिर कोड करो क्योंकि फिर क्या होगा वो समझाने जाएगा इसमें कुछ एरर आएगा हम लास्ट में रिजॉल्व कर लेंगे कोड करने का अभी जस्ट जो आशीष कोड कर रहे जस्ट वो कोड ठीक है तो मैंने यहाँ पे क्या किया एक यूजर ऑब्जेक्ट बनाया यूजर ऑब्जेक्ट का नाम कुछ जॉन है और ये इसमें प्रिंटी और मैंने एक नया राउट इंप्लीमेंट किया जो कि गेट का राउट है और यहाँ पे हमने स्लैश यूजर यूज किया है तो स्लैश यूजर यूजर का डेटा मांगना चाहते हैं तो हमने स्लैश यूजर किया फिर हमने कोई सेम कॉलबैक फंक्शन यूज किया जिसमें हमने रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स पैरामीटर दिए फिर उसके बाद हमने रिस्पॉन्स के यूजर को सेंड किया क्योंकि हम यूजर का डेटा चाहते हैं एक बार इतना सब का हो जाए एक बार बस फंक्शन दे देना तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। जितना गहरा है उसके लिए सबका इतना कोड इंप्लीमेंटेशन से भी बता रहे हैं अच्छा जिसका जिसका कोड हो गया आप लोगों ने हीरोको के अकाउंट बना लिया था एक बार ओपन कर दिया हीरोको ठीक है हीरोको ओपन करके लॉग इन कर दिया अपन इसको अभी डिप्लॉय करते हैं de
अगर सर आपका कोड हो गया तो एक बार वापस अपन सर्वर को रीस्टार्ट करेंगे, फिर से टर्मिनल पे जाना, कंट्रोल सी प्रेस करके सर्वर को स्टॉप करो और फिर से नोड इंडेक्स डॉट जेएस पे सर्वर को रीस्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब वापस आप लोग ब्राउजर पे आ जाओ। अच्छा कल याद है जब कार्तिक के पोस्टमैन पढ़ा रहा था तो आप लोग को उसने कर्नल के बारे में बताया सी यू आर एन कर्नल, हम किसी को भी याद है? अच्छा मैं बताता हूँ कैसे होता है। मैंने दूसरा टर्मिनल बोल दिया, तो कर्ल कमांड क्या होती है? कर्ल कमांड से हम किसी रिक्वेस्ट को भेजते हैं किसी सर्वर पे। तो हमने जो कल पोस्टमैन पे किया, पोस्टमैन हमारा काम बहुत ज्यादा आसान बना रहा है, जो काम हम कर्ल से कर सकते हैं वो काम हम पोस्टमैन से करते हैं। बट अभी जस्ट सिंपलिसिटी के लिए हम ये सारी चीजें ब्राउजर पे कर रहे हैं, तो हम जब भी ब्राउजर पे कर रहे हैं हम टर्मिनल पे भी चेक कर सकते हैं कि हमारा सर्वर सही से काम कर रहा है। जस्ट लाइक मैंने अभी किया, मैंने यहाँ पे एक कर्ल कमांड चलाई, अगर लोकल होस्ट 3000 स्लैश एनओ दे रिक्वेस्ट की तो मुझे क्या रिस्पांस आया जो मैंने लिख कर रखा था, मैंने जो भी लिखा था हेलो वर्ल्ड और हेलो राउंड, मतलब कि मेरा सर्वर भी सही काम कर रहा है। लेट अस ट्राई यूजर वाला, जो हमने यूजर और बनाया अभी सबसे नया नया, तो मुझे ट्राई करते हैं उसका क्या रिस्पॉन्स आया। तो उसका रिस्पॉन्स हमें यूजर का डेटा मिल रहा है जो कि है जेसन फॉर्मेट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो मैंने कर पे किया है सेम रिस्पॉन्स आपको ब्राउजर पे दिख रहा होगा, आपको स्केल करने की जरूरत नहीं है, बट आपको ब्राउजर पर लिखना है लोकल होस्ट कोलन 3000 स्लैश यूजर। उसके बाद आपको क्या दिखेगा, यहां पे डेटा दिखेगा जो कि जेसन फॉर्मेट में है। जेसन फॉर्मेट में पहली प्रॉपर्टी का नाम नेम है और इसकी वैल्यू जॉन है और उसकी प्रॉपर्टी एज है और उसकी वैल्यू 30 है। मतलब आपका सर्वर सही काम कर रहा है और आपने सक्सेसफुली यूजर का डेटा रिटर्न किया अपने सर्वर से, तो आपकी एक बेसिक एपीआई क्रिएट हो गई है। अभी आपने अभी जो ये वाली लाइन दिख रही होगी आपको, उसमें मैंने process.amp और कोड दिखा और मैं उसका मतलब समझाऊंगा। पहले आप लोग रीड करोगे process.amp और कोड, फिर उसके बाद एक पाइप सिंबल है। पाइप सिंबल का मतलब किसी को पता है कि हम क्यों यूज करते हैं? और के तो वही है कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास कोड की प्रॉपर्टी अवेलेबल है, अगर कोड की प्रॉपर्टी अवेलेबल है तो हम उसे यूज करेंगे, अगर नहीं है तो हम 3000 कोड की यूज करेंगे। तो ये हमें डेरिव को डिप्लॉय करने के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने ये कोड देखा। और बेसिकली होता है कि जिस भी सर्वर में हम इंस्टॉल करेंगे हमारे सारे नोड के डिपेंडेंसीज वो एक लिनक्स सर्वर होगा, तो लिनक्स सर्वर की कुछ कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती है, तो जरूरी नहीं है कि हमें 3000 पोर्ट फ्रीली अवेलेबल मिलेगा। यदि आप लोगों को एरर आ रहा है सेम पोर्ट पे उसके बाद रन नहीं कर सकते तो वह एरर आप वहां पे ना मिले इसके लिए हमने पहले ऐड किया कि हमारे पास जो भी फ्री पोर्ट है वो हमें दे दो, अगर नहीं होगा तो हम 3000 भेज करें। तो ये हम लोग को डिप्लॉय करने के लिए कर रहे हैं और वो सेम पोर्ट हमने यहाँ पे रिसेंटली टाइम पे काम किया है, ठीक है, ये वाला पोर्टल यूज करना वाला है। अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ हीरोको के लिए, हम इसे फिर वहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। जो भी आपका रनिंग सर्वर है उसको क्लोज कर दो कंट्रोल सी से, यहाँ पे भी हमें पेट यूज करना होगा। सबके पास पेट चीट शीट है ना? सबके पास है? हमें एक नई फाइल बनानी है जिसका नाम है git ignore। आपको एक नई फाइल बनानी है, फाइल के पहले कुछ भी नाम नहीं रहेगा, डॉट से ही स्टार्ट होगा, उसका नाम रहेगा डॉट git ignore। ठीक है, तो ये जो डॉट git ignore फाइल है यहाँ पे बस हमें एक चीज लिखनी है जो है node underscore modules और उसके बाद ये स्लैश लिखना है।
अब किसी को पता है कि हमने क्यों किया? हाँ बोलो। हाँ हम जब भी गिट पे सेव करेंगे कभी भी कमेंट करेंगे तो हम चाहते हैं कि नोड पॉइंटर्स वहां पे ना जाए, क्योंकि ये चीज स्टैटिक नहीं होती है, डायनामिक होती है। जब भी हम npm install फिर से करते हैं तो जो भी हमारी नई नई टाइप डिपेंडेंसी या नए नए वर्जन है तो वो चीज हमें वहां पे चाहिए होती है। इसलिए हमने इस चीज को अभी के लिए इग्नोर किया, क्योंकि जब भी हमारा कोड जब Heroku पे जाएगा तो Heroku पे जाने के बाद वो ये कमांड चलाएगा npm i, मतलब npm install चलाएगा। npm install से क्या होगा कि जैसे हमने express install किया था वैसे वहां पे भी सर्वर पे सारी चीजें install होंगी। तो सबसे पहले हमने git ignore बना दिया। git ignore पे हमें सिर्फ node modules लिखना है, क्योंकि ये है, आई होप सबको दिख रहा होगा। git ignore पे node modules बना के सेव कर लो और फिर टर्मिनल पे हमें git init करना। ठीक है, टर्मिनल पे सबसे पहली कमांड git init चला लो। सबने git init चला लिया? ठीक है, अब हम अपना सबसे पहले ऐड करेंगे। तो हम चाहते हैं कि हम सारी चीजें ऐड कर दें यहां पे, तो मैंने क्या लिखा है git add फिर स्पेस डॉट। डॉट का मतलब क्या होता है कि इस पर्टिकुलर फोल्डर में जितनी फाइल्स हैं सारी ऐड करते जाते हैं स्पेसिंग एरिया में। तो हमने सारी फाइल्स ऐड कर दी। अब हमारा नेक्स्ट कमांड रहेगा git commit। अब कमिट में आपको जो मैसेज लिखना है आप लोग लिख लो। मैं पे इनिशियल कमिट लिख रहा हूं। अब मैंने यहां पे कमिट भी कर लिया। अब हम Heroku में चलते हैं। बस अभी तक सिर्फ गिट कमिट तक ही करना है, बाकी अब हम Heroku में चलते हैं। तो सबने Heroku ओपन कर लिया है। Heroku पे सब लॉगिन करके उसकी मेन पेज पे आ जाओगे। मेरी Heroku की स्क्रीन दिख रही सबको? ठीक है, अब यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ राइट साइड में न्यू बटन दिख रहा होगा, न्यू बटन पे क्लिक करना है एंड क्रिएट अ न्यू ऐप करना है। अच्छा, सबका जितना भी चेंजेस था फाइल्स में सारा कुछ हो गया है, सब रेडी है अभी डिप्लॉय करने के लिए? एक बार बस थम्स अप दे दो जितने लोग रेडी हैं, तो फिर अपन फिर आगे बढ़ेंगे। और अगर किसी को कुछ भी डाउट होगा तो फिर ये डिप्लॉय करने के बाद मैं आता हूँ, फिर वहां पर क्लियर करूंगा। डाउट है? Thank you.
तो वहां पे आपको एक यूनिक नाम चाहिए होता है तो आप वो नंबर्स भी इंक्लूड कर सकते हो उस नाम पे, मतलब हेलो वर्ल्ड फिर पीआईटी दी के बाद 01 या 02 ऐसा कुछ भी नंबर। अब यहां पे इसके कुछ कुछ प्रोसेस है, जैसे हमने लॉग इन कर लिया तो यहां पे हमने लॉग इन करके नया ऐप बना दिया। अब यहां पे वो आपको कमांड लाइन में बता रहा है कि क्या क्या चीजें करनी है। ठीक है, आप लोगों ने शायद हीरोको सीएलआई इंस्टॉल नहीं किया होगा तो वापस अपने टर्मिनल पे जाना और ये वाली कमांड चलाना npm install -g फिर हीरोको। पर जाके npm install -g के इसका इंस्टॉल हो गया है, देखो बता दो आप कर रहे हो इसका नहीं हुआ है, प्रॉब्लम आ रहा है क्या ये बताओ। ठीक है रुको मैं आ रहा हूँ। अपना सर्वर क्लोज कर देना, ये सारी कमांड्स चलाने के पहले आपको अभी हीरोको सीएलआई इंस्टॉल करना है। npm install -g फिर हीरोको का मतलब क्या है कि हम ग्लोबली इंस्टॉल कर रहे हैं इस चीज को, जैसे कि हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं जिसका भी हीरोको इंस्टॉल हो जाएगा प्लीज बता दो।
हीरोकू सबका इंस्टॉल हो गया ये वाला, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप वापस हीरोकू पे आ जाओ, जहाँ पे आपको ये स्क्रीन दिख रही थी आपने जब ऐप क्रिएट कर दिया। ऐप क्रिएट करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, तो आपको फिर वहाँ पे हीरोकू लॉग इन करना है। मतलब आपको बताना पड़ेगा ना कि ये मेरे क्रेडेंशियल्स है, मैं यहाँ पे डिप्लॉय करना चाहता हूँ। तो आपको ये वाली कमांड रन करनी, हीरोकू लॉग इन। अपने टर्मिनल पे जाओ और उसी रेपोजिटरी, उसी डायरेक्टरी के अंदर जाना जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट है, वहाँ पे हीरोकू लॉग इन को रन करना। पीछे तक तो नहीं रहा शायद, बट आपकी स्क्रीन पे भी हो गई है। आपको लॉग इन करने के बाद आपका ब्राउजर खुलेगा, वहाँ पे आपको जो भी लॉग इन क्रेडेंशियल्स वो पूछेंगे। लॉग इन कर लो और वो टर्मिनल को फिर रिस्पॉन्स ही देगा कि आपने लॉग इन कर लिया। तब तक मैं भी कर लेता हूँ। कुछ ऐसी स्क्रीन आती है जब हम हीरोकू लॉग इन प्रेस करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो मैं बस लॉग इन पे क्लिक करूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉग इन हूं, तो फिर वो मुझे डायरेक्टली लॉग इन कर लेते हैं क्रेडेंशियल्स। अब फिर मेरे टर्मिनल पे कुछ ऐसा रिस्पांस आ रहा होगा कि लॉग इन एज माय ईमेल एड्रेस। और अब तो मेरी टर्मिनल स्क्रीन तो नहीं दिख रही है, बट हाँ ऐसा ही रिस्पॉन्स आया। सबने लॉग इन कर लिया, इधर सबको लॉग इन हुआ है क्या? यार अपन जल्दी से करते हैं फिर उसका डाउट क्लियर। हां ठीक है। तो अगर सबका लॉगिन हो गया तो यहां पे आपको दिख रहा होगा क्रिएट अ न्यू गेट रिपोजिटरी बोल रहा है। तो हमने ऑलरेडी गेट रिपोजिटरी तो क्रिएट कर ली थी, तो अब हमें सिर्फ ना ये वाली लास्ट कमांड चलानी है जो है हीरोकू गेट रिमोट। ये कुछ कुछ लिखा हुआ है, उस कॉपी करके पेस्ट कर दो। आपके स्क्रीन पे जो भी होगा इसको कॉपी मत करना, ये मेरा प्रोजेक्ट है, आपको खुद का प्रोजेक्ट का लिंक डाल देना। ये कमांड रन कर ली क्या सबने? ये वाली कमांड रन कर ली सबने जो रिमोट ऐड करने वाली थी? बस अब आपको नहीं लास्ट वाली कमांड रन करनी है जिसमें लिखा हुआ है गेट पुश हीरोकू मास्टर। आपकी स्क्रीन से कॉपी करना, मेरा कुछ भी कॉपी मत करना है यहाँ पे। बस गेट पुश हीरोकू मास्टर करने के बाद आपका ऐप डिप्लॉय हो जाएगा और फिर हम उसे रन करते हुए देख सकते हैं। तो एक बार सबका हो जाए तो हम सब दिखा देगा, फिर अपन टेस्टिंग भी देख लेंगे और इसके बाद आप वैसे होने वाले जो कार्तिकी करवाएगा पोस्टमैन की तरफ से।
जब आपने गेट पुश हीरो को मास्टर लिखा होगा तो लंबा चौड़ा कुछ कुछ रिस्पांस आ रहा होगा कि ये सब हो रहा है, पुश हो रहा है, इनको वेरीफाई करना, डिप्लॉय करना। बट जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वो आपको एक लिंक देगा https://get.heroku.com, तो बस आपको उसको कॉपी करना है वहां से। या तो ये करते हैं अपन सेटिंग्स पे आ जाओ, अपने हीरोको पे सेटिंग्स पे आ जाओ। कार्तिक विंडो में समझ गया, विंडो अरे रहता है बेस पर, मैं एक बार रिसेट वाला है, रिसेट वाला है। सबका हीरोकू का पुश हो गया, गेट पुश हीरोकू मास्टर सबका हो गया। वापस हीरोकू पे आ जाओ ब्राउजर पे, वहां पे सेटिंग्स पे क्लिक करना। सेटिंग्स पे आने से आपको कुछ ऐसी ऐप की इंफॉर्मेशन दिख रही होगी, तो नीचे स्क्रॉल करने से आपको डोमेन्स दिख रही होगी और डोमेन्स के राइट साइड में एक यूआरएल रहेगा जो आपके प्रोजेक्ट का नाम है। तो उस पर क्लिक करोगे तो वो एक जगह पे जाएगा यहाँ पे एप्लीकेशन एरर आ रहा है क्योंकि शायद हमने कुछ गलती करती होगी, बट हम यूजर पे चेक करते हैं। बस ये हीरोकू पुश मास्टर के बाद हमारा ऐप डिप्लॉयड है हीरोकू पे, और हम उसको कहीं भी जाके हम एक्सेस कर सकते हैं, किसी और के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो आज की वर्कशॉप पे कुछ ज्यादा ही जल्दी जल्दी रहना है, सिर्फ मैंने क्योंकि टाइम कम है, और किसी को भी कोई डाउट होगा तो भी पूछ सकते हैं। आ रहा हूँ क्या हुआ? सी ड्राइव पे लीव हो गया। Thank
थोड़ा ब्रेक लेते हैं, सब आ जाइए सामने, एक फोटो ले लेते हैं पहले, उसके बाद आपके डाउट सॉल्व कर लेंगे। Thank you.
सर हैंडमेड है सर
ठीक है सबको यूज करना आगे का स्लाइड तो सही है। Is anyone left to join? Okay, also top three winners to swags मिलेंगे ना इस game में, so attendee winner please. Top 3 0.